आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थौडा की पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों के पास से चोरी के वाहन और हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पकड़ में आए चोरों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। थाना ढोकी पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। हरी सिंह और राजेश नाम के वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग मोटरसाइकिल्स का चोरी में शामिल रहे। इनको इंगोट खेड़िया में आगरा से इंगोट खेड़िया के आते हुए गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये लोग से कोलारा कला के पीछे में एक गौशाला है, उनके पीछे दो मोटरसाइकिल जो चोरी का बरामद हुई है, तो उससे पूछताछ करने पर उनके ऊपर एक तलाशी में एक तमंचा भी मिला है, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस भी मिला है। जब पूछताछ किया है और बाकी हम बाकी थानों से जब क्रिमिनल हिस्ट्री लिया गया है तो एक हरी सिंह के ऊपर 7 मुकदमे हैं, इसमें ज़्यादातर चोरी का है। ऐसा बताया गया है कि हरी सिंह पर 1 दर्जन मुकदमे हैं, साथ ही राजेश पर 0.5 दर्जन मुकदमे हैं। अन्य आपराधिक इतिहासों को खंगाला जा रहा है और साथ में 12 मुकदमे हैं अलग थानों में, ज़्यादातर फतेहबाद, शमशाबाद, शाहगंज, रकाबगंज इन थानों में। और दूसरा मुकदमा है, दूसरा है राजेश, जिनके खिलाफ 6 मुकदमा है। ठीक, तो इनका भी वही है 379 का जो चोरी का मुकदमा है। सो बहुत अच्छा कार्रवाई डौकी SHO और इनका टीम जो जिसमें शामिल है शिव कुमार जो बमरौली कटारा चौकी इंचार्ज और उनके साथ जो लगे अंकुर मालिक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार। जिस समय थाना ढौकी पुलिस एक्सप्रेस वे हिंगोट खेरिया पर चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान दोनों साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऐसा माना जा रहा है कि इनके और भी साथी हैं, जिसकी जानकारी ली जा रही है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।